कार कई टाइम जाते हैं जाते हैं, कई टाइम नहीं जाते, बस इन्हें तो जैसे घाय इसका। जी दोस्तों, हम फाइनली उस मंजिल के करीब हैं जहाँ आज। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शकील, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लैंक भाई व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है माशाल्लाह इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने खूबसूरत व्लॉग की तरफ। आज आप इस खेतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आज का व्लॉग कौन सा बनने वाला है। आज का व्लॉग हमारे कुछ बलोच भाई बैठे हैं, उनके साथ गपशप भी करते हैं, चाय वगैरह पे पीते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, उनका हाल चाल भी पूछते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे कमाते हैं कैसे खाते हैं, उनका रहन सहन बैठना उठना वो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। इंशाल्लाह आज का व्लॉग बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा आज के व्लॉग में। शर्त यह है कि इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो देखिए सामने इस जगह पर जो है ना वो खेतों को जो है ना कपास को काटते हैं और अपने दुम्बों को बकरियों को भेड़ों को खिलाते हैं। तो वो यहाँ सामने इस हवेली में बिल्कुल बैठे हैं इस हवेली में, और यहाँ जाकर हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हाल वाल भी लेते हैं, वो क्या कहते हैं उनके रहन सहन वो भी आपको दिखाते हैं आज इंशाल्लाह, मज़ा आने वाला है वीडियो में। जी दोस्तों, हम फाइनली उस मंजिल के करीब हैं जहां आज आपको व्लॉग बनाने वाले हैं, और यहां जो है ना उनका रेवड़ खड़ा है बलोच लोगों का। तो अभी चलते हैं उनसे गपशप भी करते हैं और उनका माहौल भी आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है और कितने लोग होते हैं, कहां से आए हुए हैं, इनका रेवड़ कहां से आया हुआ है। और हम अभी फाइनली उनके दो मतों बैठे हैं, उनके मुखालिफ सिमत पर बैठे हैं, वो हमारे बिल्कुल ही सामने बैठे हैं, वो देखें सामने बिल्कुल ही। चलते हैं इनके पास और इनसे हाल हवाल जानते हैं। दोस्तों तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं बलोच भाइयों के पास, तो मैं अभी जा रहा हूं आपको उनको रेवड़ भी दिखाता हूं। अभी फाइनली उनको अभी सोए हुए हैं, उनको अभी उठाते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। आज मुख्तसर सा व्लॉग बना रहा हूं ताकि आप इन लोगों की ज़िंदगी देखें कि इनकी लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह इनका रेवड़ जो है बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा है, और बहुत ही आज के व्लॉग में आपको मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। और यहाँ देखें जी इनका रेवड़, ये देखें सामने रेवड़ है उनका, और कितना हसीन सा है रेवड़ है, और कितनी हसीन जगह पर बैठे हुए हैं, और जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं वो ही बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और देखें बहुत ही फौली देहात है, वो सुकून की जगह है, यहाँ जहाँ ये लोग बैठते हैं ना वो बहुत ही सुकून की जगह होती है। ये देखिए सारा रेवड़ सुकून कर रहा है, सुबह जो है ना घास और कपास के लिए निकलते हैं तो बहुत ही थक जाते हैं। अभी फैनली देखें सारा रेवड़ जितना भी है ना सुकून से सोया पड़ा है। इनका देखें जी किस तरह तरबियत बनाई हुई है इन लोगों ने इनकी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है अभी वो सामने बलोच भाई सोए हुए हैं और दूसरा वो सामने खड़ा है, और इन लोगों ने कबूतर भी रखे हुए हैं, और सामने इनकी चुल भी बनी हुई है, और जो है ना चाय वगैरह रोटी वगैरह खुद बनाते हैं। तो सामान इनका वो सामने चार पहिए पे रखा हुआ है, और इनका रेवड़ अभी आप चेक कर लें, कुछ बकरियाँ और ज़्यादातर इनके पास भेड़ होती हैं, और भेड़ मैं आपको दिखाता हूँ जो माँ का दूध पी रही है वो आपको दिखाता हूँ बच्चे कितने हसीन और खूबसूरत। ये देखिए जी जो रेवड़ है ना बहुत ही सुकून में फुली एंजॉय कर रहा है सारा का सारा रेवड़, और छोटे छोटे से मासूम से बच्चे भी हैं, और यहाँ जो है ना माँ का दूध पी रहे थे बच्चे, ये जो दो खड़े हैं मुझे देखकर जो है ना वापस चले गए, अभी जो है ना उसका दूध वगैरह नहीं पी रहे। ये देखें जी ये रेवड़ कितना सुकून से खड़ा है और तरतीब से बना है, कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा बना हुआ है रेवड़ चेक करें। और मामा जी सामने आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, और वो देखें सामने ये भी सोए पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? क्या मामा? ठीक हो? फिट हो? शुक्र है अल्लाह पाक का, खैरियत है? आप सुने ठीक है? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। ए मामा थके हुए हैं ये? ना मामा ये हम राजत्यान है। अच्छा राजत्यान, हाँ। कहाँ लेकर गए थे इन लोग इनको? इनको इनको वार से गया थे, वार से इस साइड पे, दूसरी साइड पे? हाँ दूसरी साइड पर। अच्छा आप सारा कुछ आपका घर किस साइड पे है? घर आपका हमारा मोहम्मदपुर गाँव वाले से। अच्छा मोहम्मदपुर, इतना सफर करके आए हूँ। जी हाँ ठीक है, खैरियत है, खुश हैं? तो आपका रहन सहन या खाना पीना कैसे होता है? ये आप कहीं वेले आप बना रहे हैं, कहीं वेले होटल से लेते हैं। अच्छा ये बात है। तो आपके पास होटल का खर्चा होता है इतना? ओ हाँ हर पास खर्चा होता है। अच्छा जी, तो ये बच्चे कितने मंथ की महीने के होते हैं तो आप बेचते हैं, मतलब इनकी उम्र कितनी होती है? तो उम्र चार पाँच महीने हो जाएंगे ना। अच्छा ये आपके हैं या किसी हिस्सेदार के भी हैं? नहीं आपके।
अकेले गए हैं? अकेले। तो माशाल्लाह आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक। तो ये आपकी फैमिली वगैरह, आपके बच्चे जो घर वाले उधर हैं मोहम्मदपुर में? हाँ मोहम्मदपुर। तो आप यहाँ अकेले आए हुए हैं? जी अकेले। आप क्या लगते हैं, दोनों भाई है? भाई हैं वो, बड़े आप छोटे हैं? हाँ। दो भाई हैं? ना पाँच भाई हैं। अच्छा पाँच भाई हैं जी। आप देख सकते हैं ये हमारे बलोच भाई हैं और ये बैठे हुए हैं, ये दूर से सफ़र करके आए हुए हैं यहाँ पे, और जो है ना इनकी सारी रोजी रोटी जो है ना इन पे होती है। तो माशाल्लाह इनका अच्छा सेटअप बना हुआ है, ये देखें कितना खूबसूरत सा सेटअप बना रखा है। इनका सामने चूल्हा भी बना हुआ है, चाय वगैरह, जैसा कि मामे ने बताया कि सारा सेटअप हम खुद बनाते हैं, कभी होटल से देते हैं तो कभी खुद ही बना लेते हैं। तो इनकी माशाल्लाह हसीन ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी है, अभी फुली जो है ना देहात में बैठे हैं, सुकून की ज़िंदगी है। अच्छा मामा रोज रात को सोते भी आप यही हैं? हाँ सुकून से सोते हैं, आराम से। अच्छा वाह, फिर आप कब जाएंगे? सुबह से वाला जाते थे। नहीं घर वापस कब जाएंगे आप? घर घर कई टाइम जाते थे, बेचते हैं कई टाइम नहीं जाते, बस इन्हें तो जैसे घाय इसका वाला। अच्छा।